So hello dear students, in this video we are going to discuss about TYBAF semester 6 financial management 3. ओके जो अप्रैल 2023 का क्वेश्चन पेपर था उसका हम लोग करने वाले एनालिसिस. तो कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कैसा वेटेज होगा और आपको कितना पासिंग के लिए कौन से चैप्टर के ऊपर फोकस करने वाले, ओके दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. सो 23 के क्वेश्चन पेपर में देखो, क्वेश्चन नंबर 1 ए पूछा था ट्रू और फॉल्स फॉर 8 मार्क्स एंड क्वेश्चन नंबर 2 बी पूछा था मैच द कॉलम फॉर 7 मार्क्स. बोला जाता है 8 और 7, बट आपको पूरा 10 का 10 जो दिया वो अटेम्प्ट करना है. ठीक है, केयरफुली अटेम्प्ट करो. पिछले 2 साल के क्वेश्चन पेपर देख लो 2019-23 का. ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स उसमें ट्रू और फॉल्स भी है एंड मैच द कॉलम्स भी, एमसीक्यू भी होगा. तो वही प्रैक्टिस करो, कम से कम 10 नहीं, ओके आपको 5-6 तो मार्क्स उसमें से कंफर्म मिलेगा. ठीक है, हो सकता है थोड़ा रिपीट भी हो जाए, ओके क्योंकि FM के पेपर में पासिंग के लिए आपको ऑब्जेक्टिव आना ही चाहिए. पेपर डिफिकल्ट होता है आपको पता होगा. ठीक है, तो 15 में से कम अगर आपको ऑब्जेक्टिव में ही 10 मार्क्स मिल जाता है, इसमें इट मींस आपको पासिंग के लिए और सिर्फ 20 मार्क्स स्कोर करना है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 ए पूछा था बिजनेस वैल्यूएशन, उसमें शेयर्स के बारे में पूछा हुआ था. बिजनेस वैल्यूएशन चैप्टर आपने पढ़ा होगा, 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था. इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, यील्ड वैल्यू मेथड एंड फेयर वैल्यू मेथड. ठीक है, ये 3 मेथड्स आपको फॉलो करना था. इसका मैं वीडियो भी डालने वाला हूँ, क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ, वो वीडियो आप लोग दे सकते हो. ठीक है, वैसा ही प्रैक्टिस करो, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है. उसको और मैं क्या पूछा था, देखो सेम बिजनेस वैल्यूएशन में ही 2 कंसेप्ट आता है, 1 इज ईवीए एंड 2 1 इज एमवीए. ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 बी पूछा था 8 मार्क्स के लिए कैलकुलेट ईवीए. क्वेश्चन नंबर 2 सी पूछा था 7 मार्क्स के लिए कैलकुलेट एमवीए. इसके भी वीडियो डाल दूंगा, देख लेना. ओके, प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना. लेकिन सो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्लियर हो गया, आइदर गो फॉर दिस और ये दोनों अटेम्प्ट करो 8-7 मार्क्स का, इट इज अप टू यू. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पूछा था मर्जर्स एंड एक्विजिशन. अगर थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई करोगे तो ये चैप्टर बहुत इजी है, मर्जर्स एंड एक्विजिशन. ईपीएस कैलकुलेट करो, मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करो, एक कंपनी दूसरे कंपनी को टेक ओवर करता है. इसका वीडियो भी यूट्यूब पे डाला हुआ है, 2019 का क्वेश्चन पेपर, बट उसके साथ में ही 23 का भी सॉल्व करके डालना वालो, वो भी देख लेना, 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा उसको. और मैं अपना भाई कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग, ओके तो ये कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग भाई क्यों बोला, आपने FA 5 में पढ़ा होगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. अगर नहीं भी पढ़ा होगा ठीक है तो पढ़ लेना जाके, इसका वीडियो अपने YouTube चैनल पे अवेलेबल है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का वीडियो नंबर 1, 2, 3. ठीक है, जिसमें मैंने जर्नल एंट्रीज भी डिस्कस किया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करके डाला हुआ है. ठीक है, लास्ट ईयर का 2019 का भी क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करके डाला हुआ है उसमें कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग. ओके, इट इज नथिंग बट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ FA 5. अगर आपने वो पढ़ा था तो ये करने की जरूरत नहीं, इसमें आपको 15 मार्क्स आराम से मिल सकता है. खाली क्वेश्चन पढ़ो, जर्नल एंट्रीज लिखो, उसके साथ में क्या बनाना है, बैलेंस शीट इन वर्टिकल फॉर्म. ठीक है, बहुत इजी है, आराम से आपको इसमें 15 मार्क्स मिल सकता है इन कैपिटल रिस्ट्रक्चर. ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3, आइदर गो फॉर मर्जर एक्विजिशन या फिर कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग, इट इज अप टू यू. बट कभी कभी वो लोग क्या करते हैं, कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग का क्वेश्चन 8-7 मार्क्स के लिए भी डाल देते हैं. 15 मार्क्स के लिए आया तो वेरी गुड. देखो पासिंग के लिए आपको कोई भी एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है, जिसमें आपको 15 में से 15 आराम से मिल सके. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 ए पूछा था हायर परचेस एंड लीजिंग. दो ऑप्शन देते हैं, इधर गो फॉर हायर परचेस और लीजिंग. आपको दोनों का कैलकुलेशन करना है और उसमें से जो सुटेबल होगा दैट वी हैव टू सिलेक्ट फॉर 15 मार्क्स. उसको और मैं क्या पूछा था, देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी कमर्शियल पेपर के ऊपर क्वेश्चन था, 8 मार्क्स का लास्ट चैप्टर है FM का. ठीक है, वर्किंग कैपिटल वगैरह. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 सी पूछा था फैक्टरिंग के ऊपर 7 मार्क्स के लिए. पूरा क्वेश्चन पेपर आपके लिए सॉल्व करके मैं YouTube पे डालने वाला हूँ. ठीक है, 1 by 1 करके वो क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो कैसे अटेम्प्ट करना है वो. तो आइदर गो फॉर हायर परचेस एंड लीजिंग विच इज इजी, या फिर ये दोनों आप अलग अलग भी अटेम्प्ट कर सकते हो, इट इज अप टू यू. और क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट में अपना लॉन्ग आंसर 8 मार्क्स और 7 मार्क्स का आएगा, या फिर उसको और में क्या आएगा, शॉर्ट नोट्स 5 आएगा, 5 में से लिखना कितना है 3. तो पासिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, फिर से बता रहा हूं, देखो पासिंग के लिए इंपॉर्टेंट पास ही होना है खाली, बस यहाँ पे ध्यान दो. ये शेयर्स का थोड़ा सा पढ़ो, दिमाग है ये कर पाओगे. 15 नहीं मिला भाई, 8-7 भी मिला तो अच्छी बात है. ठीक है, इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. नहीं आ रहा है तो ये दोनों का थोड़ा ज्यादा
एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, लेकिन वही करना जो एग्जाम में पूछा, सिमिलर टाइप का वो लोग डाल सकते हैं। और ये बहुत इजी है, देखो इन दोनों में से आपको जो भी लगता है दोनों करो। मेरे ख्याल से हो सकता है कि अलग अलग भी पूछ ले तो आपका पोपट नहीं होना चाहिए वहां, ठीक है। तो आइदर मर्जर एक्विजिशन और ये कर सकते हो एक साथ पूछा तो, लेकिन अलग अलग भी पूछा तो दोनों भी आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स बहुत इजी है, इसके वीडियो बना के मैंने डाले हुए 2019 के, 23 भी के भी डालूंगा तो वो देख लेना। सो दिस इज योर की फॉर पासिंग। ये दोनों में से जो क्वेश्चन आएगा 15 में से 15 उसमें मिलना ही चाहिए, ओके। 10 मार्क्स सपोर्ट ऑब्जेक्टिव में मिला, इधर 15 मिला, 25 उधर ही हो जाता है, और खाली 5 मार्क्स चाहिए जो आपका इधर उधर से मेहनत करके मिल सकता है, ठीक है। और ये हायर परचेस के ऊपर ज्यादा फोकस करो, इजी है, एक टेबल बनाने का है, आपने फर्स्ट ईयर में भी बनाया होगा, ठीक है। कमर्शियल पेपर इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होने के चांसेस है, बट हायर परचेस के ऊपर ज्यादा फोकस करना। और लाइक शॉर्ट नोट्स इसमें जो आ रहा है, ठीक है, बहुत से लोग शॉर्ट नोट्स ब्लैंक छोड़ देते हैं एफएम का, उसके वजह से फेल होते हैं। कुछ नहीं आ रहा है भाई, जो आ रहा है वो लिख दो, ठीक है। दो दो मार्क्स भी मिला 3 शॉर्ट नोट्स का, तो 6 मार्क्स आपको मिल जाएगा, 5-6 मार्क्स, ठीक है। सो दिस इज योर पेपर पैटर्न। और प्लीज ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड कीप फॉलोइंग बागवेश्वर नंदीप कॉमर्स क्लासेस। थैंक यू सो मच।